भोपाल में सेंट्रल इंडिया प्रेस क्लब ने पत्रकारिता और ज्वलंत मुद्दे पर विमर्श का आयोजन किया। आयोजन के पहले दिन मध्य प्रदेश के गृहमंत्री डॉ. अमित शाह ने वर्तमान पत्रकारिता पर अपने विचार रखे। प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष उमाकांत लेखरा ने मीडिया समूह और पत्रकारों की मौजूदा स्थिति पर अपनी बात रखी। इसके बाद गृहमंत्री डॉ. अमित शाह ने पत्रकारों के सवालों के जवाब भी दिए। आपको धन्यवाद दे रहा हूं पहले तो कि लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम वो दो तीन महीने में एक कर ही देते हैं। विपरीत परिस्थिति में वो भी कैसा संघर्ष कर रहे हैं। मैंने दास साहब को भी बहुत लंबे समय से देखा है। वो 31 साल हो गए विधायक बने हुए। 90 में आया था तब से देख रहा हूं उनको, और जिस तरह से वो लगे रहते हैं अपने आप में बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में चुनौतियों की बात सब कर रहे हैं, पर जैसा सदेव सीधर जी ने कहा कि उस समय भी हाउसेज थे और उस समय भी थे, तो आज अलग प्रकार है। आज अभिव्यक्ति के लिए हमको फोरम बढ़े हैं, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, ट्विटर पे, अलग अलग जगह हम, और बदली हुई परिस्थिति में परिवेश बदला, परिस्थिति बदली और पत्रकारिता का मिजाज ही बदल गया। और ये बदल जाने के कारण से आज की परिस्थिति में हम अगर अच्छा लिखना चाहें तो लिख तो सकते हैं, पर उसके लिए मीडिया हाउस नहीं मिलेगा। मीडिया हाउस चाहिए तो स्वाभाविक रूप से हमको उसके हिसाब से ही लिखना पड़ेगा। नहीं लिख सकते उसके हिसाब से गई तो आलोचना किसकी कब कितनी करनी है, ये भी वहां तोला जाता है। जब वो तोला जाता है फिर उसके बाद में बोला जाता है और उसके बाद ही चलता है। उस संकल्पता की परिभाषा जिसने भी गढ़ी होगी मुझे नहीं मालूम, पर उसने आज एक अलग स्थान बना लिया। मैं नहीं कहता पत्रकारिता के क्षेत्र में बनाया, पर मैंने जैसा कहा कि मैं 90 से सदन में हूं। अब सदन में हम बजट पे बहस करने के लिए तीन तीन दिन तक आंकड़े इकट्ठे करते हैं, फिर बोलने की तैयारी करते हैं, फिर हम सदन में आके बोलते हैं। जब हम बजट पे बोल रहे होते हैं तो उस समय पत्रकार दीर्घा खाली होती है। जब वो छापता है तो किसी एक फ्रंट पे कि आज विधि विभाग के या जल संसाधन के बजट पर भी दास साहब ने, नरोत्तम ने, सिंह साहब ने विचार रखे, इतना ही छपता है। और अगर वो आके कहीं वहां उसकी जल संसाधन के बजट की कॉपी फाड़ के ऐसे उड़ा देता है तो फ्रंट की लीड न्यूज बनती है, पूरा फ्रंट रंगा होता है आपका। उस अध्ययन को, मेहनत को स्थान कितना सा मिला किसी समाचार के एक अंदर कोने में, और उस संकल्पता को कितना स्थान मिला फ्रंट, उसने आके असंसदीय शब्दों का प्रयोग संसद में कर दिया या विधानसभा में कर दिया। अब असंसदीय शब्द का छपा इतना बड़ा और जो संसदीय भाषा बोलता रहा वो कहीं दिखाई नहीं आया, नजर ही नहीं आया दूसरे दिन अखबार में। और उसके कारण से दोनों क्षेत्रों की मैं बात कर रहा हूं, इन दोनों क्षेत्रों में विकार आते चले गए। आज सार गर्भित बहस हाउस में नहीं होती, उसकी जगह नारेबाजी होती है, उसकी जगह उच्चृंखलता होती है। कोई धरने पर बैठ जाता है, कोई बिना कपड़े पहने हाउस में आ जाता है, कोई कमंडल लेके हाउस में आ जाता है। अब ये वहां जहां बाहुबल का काम नहीं है, बुद्धि बल का काम है, वहां बुद्धि कौशल दिखाया ही नहीं जा रहा है, वहां डिबेट हो ही नहीं रही है। अखबार समूह अलग चीज है और पत्रकार अलग चीज है, और विषय दास साहब से निवेदन करूंगा कभी इसी को रखना आप। अगर आप इसको दो भागों में नहीं बांटोगे तो कभी समस्या के समाधान की ओर जाओगे नहीं। और मैं ये मानता हूं कि वर्तमान में पत्रकार, मैं जनसंपर्क मंत्री भी रहा हूं और अलग अलग विभागों का रहा हूं, 16 साल से मंत्री हूं, तो मैंने बहुत नजदीक से देखा है। जैसा सदे दास साहब कह रहे थे कि मैं मीडिया फ्रेंडली भी हूं, सच है, मैं देखता हूं उन समस्याओं को। एक पिक्चर का गाना था ना कि इसमें खुशियां हैं कम, बेशुमार हैं गम, एक हंसी आंसू हजार, वैसी स्थिति में दिखते हैं कई लोग। और इसलिए समस्या अगर ढूंढने निकलोगे तो सिर्फ एक समस्या है, वो है अर्थ। जिस दिन इसकी पूर्ति हो जाती है तो उसकी लेखनी भी बदल जाती है, उसकी भाषा बदल जाती है, उसकी चाल बदल जाती है। मेरे पैरों में घुंघरू बना दे तो फिर मेरी चाल देख ले।
आप लेखनी देखना चाहते हैं तो उसको उसके परिवार की पहले सबसे पहले अर्थ से जो एक जूझता है वो जिसके कारण से वो समझौते करता है, जो लिखना चाहता है, जो बोलना चाहता है। और आप जिन मीडिया हाउस की बात कर रहे हो वो तो स्वाभाविक रूप से किस हिसाब से चलते हैं, ऐसा आदरणी ने आपको सबसे पहले बताया ही था श्रीधर जी ने। आप लखेरे जी एक बार श्रीधर जी के संग्रहालय जरूर जाए। अपने यहाँ कहावत है कि पढ़ने योग्य लिखा जाए, दूसरा कहता है लिखने योग्य किया जाए, और इन दोनों का सम्मिश्रण कहीं देखना हो तो श्रीधर जी को देख लिया जाए। पढ़ने योग्य लिखते भी हैं और लिखने योग्य काम भी उनने वो कर दिया है, और कठिनाइयों को तो वो समझते ही होंगे, और संवाद ही नहीं हो रहा वो। अब ये सारी चीजें मैं आपकी तरफ डाइवर्ट कर नहीं पा रहा, डरता हूं इसलिए अपने पे ले रहा हूं, इसमें से आप अपने अपने हिसाब से निकाल लेना। ये जो है ना, जो चलते हैं तो उसके बाद रीबैक हो के चलते हैं, और इतने चलते हैं कि फिर मेरे को ही चलता कर देंगे, और अभी मैं टिकना चाहता हूं। आमिर भाई, दूर हूं पर पास आना चाहता हूं, मैं तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं, तुम हृदय की प्रेरणा हो, प्राण हो, मैं तुम्हें अक्षत चढ़ाना चाहता हूं। बहुत बहुत शुभकामना दास साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।